तो दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन पेमेंट तो सभी करते होंगे, लेकिन गूगल पे भी यूज करते होंगे। और यहाँ पे आपको ये नहीं पता होगा कि ये गूगल पे में जो यूपीआई आईडी देखने को मिलती है, जैसे @OKICICI, @OKHDFC, @OKAXIS, SBI, इस तरह की जो यूपीआई आईडी देखने को मिलती है, क्या आपको पता है ये क्यों देखने को मिलता है? क्या आप लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा? और आपको ये एक्टिवेट करना चाहिए फिर नहीं एक्टिवेट करना चाहिए, इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखते रहें, ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको ये सब क्यों देखने को मिलता है, आपको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे आपको जब अपने लोगों पे क्लिक करते हैं, अपने आइकन पे, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट देखने को मिलता है। इस बैंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये अकाउंट देखने को मिला है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैनेज यूपीआई आईडी देखने को मिल रही है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस देखने को मिलता है। यहीं पर आप देख पा रहे होंगे siumbhai8780@okicici यूपीआई आई डी को मैंने एक्टिवेट कर रखा है। साथ ही यहाँ पे siumbhai8780@okhdfcbank का भी यूपीआई आई डी एक्टिवेट कर रखा है। तो आप क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे SBI, एक्सिस, HDFC और ICICI बैंक क्यों दे रखा है? तो आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट तो सभी करते हैं, कभी कभी आपके साथ ये देखने को मिलता है कि आपका जो सर्वर है बैंक का, वो डाउन हो चुका है, आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये इसी वजह से दे रखा है कि आपके बैंक का, अगर जैसे यहाँ पर आपने SBI बैंक का एक्टिवेट मतलब कर रखा है UPI ID, तो यहाँ पर आप जब इस बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, यहाँ पर इस UPI ID से पेमेंट करेंगे, तो आपका जो पेमेंट होगा वो हो जाएगा। यहाँ पे अगर सर्वर डाउन है तो आपका पेमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आपको यहाँ एक्सिस बैंक के कार्ड से, मतलब कि एक्सिस यूपीआई आईडी से आपको पेमेंट करना है। जैसे आप एक्सिस यूपीआई आईडी से पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये दोनों सर्वर डाउन चल रहे हैं इस बैंक के, तो यहाँ आप ICICI बैंक का सहारा ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको siumbhai8780@okicici UPI ID से पेमेंट करना होगा। इस वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आपका पेमेंट कभी कभी फंस भी जाता है, आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको कभी नहीं पता होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बता दिया कि आप इस UPI आईडी को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का आइकन देखने को मिला है। यहाँ इस प्लस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का लोडिंग लेता है और यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो ये मैसेज भी मेरे में आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं अभी तो मैंने दो ही एक्टिवेट कर रखा था, यहाँ पे तीसरा भी एक्टिवेट हो चुका है। तो ऐसे में आप लोग यहाँ पे एक्टिवेट करके रखिए। जैसे कि आप लोग कभी पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट जब फंस जाता है, तो ऐसे में आप अपने इस UPI आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप पेमेंट करना चाहते हैं जैसे। और साथ ही दोस्तों, आप अगर अपने UPI आईडी पे पेमेंट मंगाना चाहते हैं, पैसा मंगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं पे UPI आईडी और नंबर पेमेंट UPI आईडी, यहाँ पे आपको अपना UPI आईडी फिलअप कर देना है। जैसे जो भी आपका UPI आईडी होगा, आप वहाँ से फिलअप कर सकते हैं। जैसे मेरे UPI आईडी है, फ़ोनपे का UPI आईडी मैं यहाँ पे फिल करूँगा। ये देख सकते हैं हमने अपने नंबर को सही किया। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, तो ये कंटिन्यू क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी मेरा नाम दिखाने लग गया है। तो आप लोग यहाँ पे अपने UPI आईडी को फिलअप करके, यहाँ पे जो है अपना UPI आईडी फिल करके पैसे पेमेंट कर सकते हैं और इसी तरह से आप मंगा भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको मैं सब कुछ बता दिया कि ये चार UPI आईडी क्यों देखने को मिलता है। ये यही कारण है जिसकी वजह से आपको चार UPI देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ से अपने UPI आईडी को सभी को एक्टिवेट कर लीजिए और जो है अपने इसी UPI आईडी पे पेमेंट मंगा सकते हैं या फिर सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे से समझ भी गए होंगे ये UPI आईडी क्यों देखने को मिलता है। अगर अच्छे से समझ गए तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको इसी तरह की नई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपका पेमेंट फंस गया है या फिर रेफर किए हैं, आपका पैसा नहीं मिल रहा है, इन सब से रिलेटेड मेरी वीडियोज़ पड़ी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो और भी नॉलेजफुल वीडियोज आपको देखने को मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। अच्छे से समझ गए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।